काम करते हैं, इसके बदले जो है हम लोग को मानदेय 5,000 रुपया तय किया गया था, वो भी सौ समय वेतन नहीं मिलता है। जब हमारे मंत्री आए तो आप लोग आके मिलिए। होली का त्यौहार है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा सरकार से और सरकार के नीति से क्षुब्ध हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, जदयू कार्यालय को हजारों की तादाद में लोगों ने घेर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन ऐसे में जदयू कार्यालय को कोई क्यों घेर रहा है? तो आपको हम बता दें कि ये विद्यालय के जो नाइट गार्ड होते हैं, सरकारी विद्यालय को जिनको हम प्रहरी भी बोलते हैं, उनकी बकाया राशि है जो कि विगत लगभग 2 सालों से बकाया है, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। इसको लेकर उनकी मांगे हैं कि सबसे पहले उनकी मांगे हैं कि हमारी नौकरी को परमानेंट किया जाए और 5,000 जो उनको मानदेय मिलता है उसको बढ़ाया जाए। और इसके साथ ही सभी का आरोप है लगभग लोगों का कि उन्हें 2 सालों से उनकी बकाया राशि है जो कि मिल नहीं रही है, और उनको नाइट गार्ड के अगर वो हैं तो उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए, वो निहत्ते रहते हैं, उनके लिए कुछ उपाय किया जाए, टॉर्च का व्यवस्था तमाम, जो भी रात्रि में उनको जिससे सुविधा हो। और उसके साथ वो बोलते हैं कि हमारी ड्रेस कोड को भी लेकर वो अपनी मांगे रख रहे हैं। इसमें लेकर वो पूर्व में भी RJD कार्यालय गए थे, जहाँ पे लोग मिले, वो प्रदेश अध्यक्ष से बात करना चाहें लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद अब जदयू कार्यालय वो लोग पहुंच गए हैं और जदयू कार्यालय आकर वो घेराव कर रहे हैं और आपको वहां पे अपनी मांगों को रख रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ कह रहे हैं। बैठे हुए थे कार्यालय के अंदर जो पदाधिकारी, वो हमारे समस्या फुल फ्लेज नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं थे जिनसे हमारा जो समस्या है उनसे निपटारा हो सके, लेकिन उन्होंने कोशिश किया है, बोला है कि अभी सब लोग सदन में बिजी हैं, हाउस चल रही है, आएंगे तो हम बात करेंगे, और जब हो सकता है। उनको जानकारी ही नहीं थी, हम तो सीधा बात बोले हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति कोई थे नहीं, विभागीय आदमी आएंगे तो बोले हैं जब हमारे मंत्री आए तो आप लोग आके मिलिए। क्या समस्या आप लोग? समस्या है सर कि कार्यालय को आप लोगों ने घेरा। अरे सर, हम लोग रात्रि प्रहरी हैं, विद्यालय का नाइट गार्ड हैं, जो कि 3800 जिला में प्रत्येक पंचायत में, प्लस टू में, अपग्रेडेड हाई स्कूल में, सब में हम लोग रात में मेहनत करते हैं, जग के ड्यूटी करते हैं, बिना किसी अवकाश का काम करते हैं। इसके बदले जो है हम लोग को मानदेय 5,000 रुपया तय किया गया था, वो भी सौ समय वेतन नहीं मिलता है। होली का त्यौहार है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा सरकार से और सरकार के नीति से क्षुब्ध हैं। हमारी मांगे हैं कि हम लोग को जो न्यूनतम मजदूरी है वो किया जाए, और जो 60 वर्ष का सेवा पुस्तिका संधारण वो किया जाए सरकार से। सरकार पे विश्वास है आपको? सरकार पे तो अभी हमको कोई विश्वास नहीं है, किसी नेता पे बिहार में विश्वास नहीं है, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सब लोग सिर्फ आश्वासन देने का काम करते हैं नेता, और कुछ करते नहीं हैं। हम लोग का सिर्फ काम ले रहे हैं, जैसे गुलामी थी बस, हम लोग से अंग्रेज से भी अच्छा, ये सरकार से अच्छा अंग्रेज थी, जो कम से कम उनका तो खाना भरण पोषण हम लोग को वो भी नहीं देने का काम कर रही है, और हम लोग से बिना किसी अवकाश का, संडे हो, सैटरडे है, मंडे, 300 दिन काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, उसके बदले भी सरकार का अगर विद्यालय में कोई सामान चोरी हो जाती है तो हम लोग को वेतन से काटा जाता है। तो कहने का मतलब एक दो बार नहीं मिला, क्या हुआ? पेमेंट हम लोग सबके नहीं मिला सर, 20 से 22 महीना पेमेंट मिला हुआ, 20 से 22 महीना का भी पेमेंट बचा। होली ऐसा समय है, मात्र 5,000 का महीना है, उसमें भी 20 से 22 महीना पैसा नहीं मिल रहा। हम लोग का स्थायी किया जाए, 60 वर्ष किया जाए, पुलिसों का स्थायी किया जाए, 60 वर्ष किया जाए। कार्यालय के मांग है सर, 20-25 महीने का पेमेंट बकाया है, ठीक ना, 20-25 महीने का पेमेंट बकाया है, और 5,000 वेतन है मांग हम लोग का, 5,000 मिल रहा है। हम लोग अधिक न्यूनतम वेतन ऑनलाइन पेमेंट से प्रक्रिया के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि हम लोग का पेमेंट टाइम से हो जाए। सरकार आप लोग की मदद नहीं कर रही? कुछ नहीं मदद कर रही है सर। कितने दिनों से आप लोग? हम लोग 2 दिन से धरना पर बैठे हैं। अगर सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं की तो? और विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए 7,000-8,000 आज 3,000 आए हैं, और धरना प्रदर्शन कर दनी बाग में लोग बैठे हैं, नहीं होगा तो हम लोग आगे की प्रक्रिया में और कुछ करेंगे। तो आपने साफ तौर पे देखा, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से हमारी राशि अक्सर या किसी पर्व त्यौहार के खास मौके पर होता है, तो ऐसे में हम लोग का भी जो बकाया राशि है उसकी भुगतान सरकार करे। आपने देखा भी और सुना भी। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई
अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। बढ़ गया कि तेजस्वी जी उस दिन